आयोटा हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर वन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन में बताया था, वो जानना बहुत जरूरी है, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा है देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, बिकॉज दिस इज दैट वॉज दैट वीडियो वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग इन एग्जांपल नंबर वन। इसके बाद जो है कुछ एग्जांपल है, तीन चार एग्जांपल है, उसके बाद क्या है कि आपका फिर ये स्टार्ट होगा डेरिवेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला का जो डिराइव डेरिवेशन है वो डेरिवेशन भी मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा। बोल रहा है कि शो दैट द प्रोग्रेशन 8 11 14 17 20 एंड शो ऑन आर एन एपी। तो ये हमारा एक एपी में है, दिस वी हैव टू शो। एंड क्या बोल रहा है कि फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा जब ये अगर एपी में होगा तो हमें बोला कि इसका फर्स्ट टर्म बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या है एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि बोला जो हमारा एपी है, एपी क्या है हमारा, तो द गिवन एपी इज द सॉल्यूशन है इसका ना, सॉल्यूशन। तो द गिवन एपी इज क्या है हमारा, 8, 11, 14, 17, 20 एंड शोन। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि हर एक टर्म का प्रीसीडिंग टर्म निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वो कांस्टेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, देखते हैं। तो 11 माइनस 8 करते हैं, तो देयरफॉर 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 14 माइनस 11 होना चाहिए, तो 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 20 माइनस 17 इज इक्वल टू 3। एक कांस्टेंट टर्म थ्री, देखो ना, ए 11 में से 8 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 3, 14 में से 8 माइनस करोगे तो भी 3, 17 में से 14 माइनस करोगे तो भी 3, 20 में से 17 माइनस करोगे तो भी 3, तो 3 आ रहा है। तो 3 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। तो जब ये इसका प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट है हमारा, तो ये क्या हो रहा है कि हम लोग बोलेंगे दस इट इज़ इन ए पी। तो देयरफॉर 8, 11, तो दे गिवन ए पी मत लिखना था, गिवन प्रोग्रेशन। यहाँ पर प्रोग्रेशन हमें लिखना है, दिस इज प्योर प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ओके ना, द गिवन प्रोग्रेशन इज इतना। तो ये जो प्रोग्रेशन है हमारा ये ए पी में, तो देयरफॉर 8, 11, 14, 17, 20 ना इज एंड शोन इज एंड ए पी। ये हमारा एक ए पी है एंड इट्स फर्स्ट टर्म, जैसे कि फर्स्ट टर्म हमें निकालने के लिए कहा गया था, तो फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा हमारा, 8 हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 8 एंड कॉमन डिफरेंस वी हैव टू फाइंड बोला था। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 आएगा, तो दिस इज योर 3। तो 8 एंड 3 ये हमारा दोनों आ गया, फर्स्ट टर्म इज 8 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। दिस वी हैव टू फाइंड, हैड टू फाइंड, नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेशन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर करते रहा करें। तो फिर ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारी होगी मुलाकात इसके बाद वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, जय हिंद जय भारत।